खाना वाना पूरा लिख रहा आया था खाएगा बोल के। बड़ा बड़ा मछली पकड़े, अरे मछली सुनाई दे रहा है। तो अभी हम लोग मछली मारने जा रहे हैं कुमी नदी में, और मेरे हाथ में बंछी है, और ये देखो नदी से जो लकड़ी आया उसको जमा किया, इसका मालिक है, आप नहीं ले सकते किसी को। देख सकते हैं कुमी नदी हो है, और हमारा साथ तीन लोग और लोग हैं। हेलो गाइस, अभी मैं कुमे नदी में हूँ, आप देख सकते हैं मेरा पीछे ये है कुमे नदी, और मेरा जो पीछे का जो पत्थर का सीन है बहुत ही खूबसूरत है देखो। और आज हम लोग यहाँ पे बंची मारने आया है, तो अभी तक एक भी मछली नहीं मिला है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इशारा भी नहीं कर रहे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी हम बोर हो गया, तो आपको मुझे लगा कि मेरा जो व्यूअर्स लोग को कुमे नदी का सीन दिखाना चाहिए। ये है कुमे नदी और पानी बहुत ही सुंदर। एक्चुअली ये जो नदी है अभी ठंडा दिन में और छोटा होता है, लेकिन अभी ये छोटा नहीं है, इससे भी छोटा होता है, और बड़ा होने पर बहुत ही बड़ा वहाँ तक जाता है। वो जो लकड़ी दिख रहा है ये कुमे नदी से ही आया वाला है, इतना बड़ा हो जाता है ये। और मेरा जो पार्टनर लोग है वो नीचे में देखो, हैंगिंग ब्रिज, ये जो बस्ती जाता है उसको हम लोग मंगियो बोलते हैं, ये कुमे नदी को उस पार जाता है, देख सकता है भाई साहब नदी को देखो, इधर में नदी का वॉल्यूम जो बहुत ज़्यादा हो गया, देखो ये डर लग रहा है हमको। Few moments later. तर 4 hours का बाद हमको एक मछली मिला है, और आपको मैं दिखाता हूँ, ये नाम अभी अभी बंजी से पकड़ा है। After 4 hours ये देखो केचू से मार रहे हैं हम लोग बंजी, और 4 घंटे के बाद ये सिंगल पीस हमको मिला है। अभी तो शुरुआत है, और मारा है और मारेगा, ये नदी से मिला है देखो, दिखाता हूँ। ओ भाई इतना सारा मछली लिया है, ये देखो ये है इससे भी बड़ा वाला, इतना ज़्यादा लिया हम, 21 रुपये लिया अभी वो भी, और ये लोग तो इतना ज़्यादा मछली ले लिया। तो अभी हम ये जगह से, ये पीछे जगह से एक मछली निकला था, सेकेंड मछली, वो जो जाके यहाँ में गिर गया ना, तो जिंदा जिंदा भाग गया। अभी हम फिर मारने के लिए करेगा मछली, अभी ऐसे बड़ा मछली निकलेगा, वेट एंड वॉच। ओ देखो 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 या, इतना छोटा है, हमको लगा है बहुत बड़ा वाला निकला है, देखो भाई साहब अभी तो विश्वास हो गया ना, अभी तो डायरेक्ट विश्वास होना चाहिए, डायरेक्ट निकला है वहाँ से एक मछली देखो। अरे देखो तो आगे मेरा एक मछली ऐसा होकर गुम हो गया था, ये अंदर में है। तो ये मछली को हम लोग को लोकल में मुरियंग बोलते हैं, इसका मुरियंग, और इससे जो बड़ा वाला बिग होता है यही जाटे का, तो उसको हम लोग मूलिक बोलते हैं, ये छोटा है तो इसलिए हम लोग को मुरियंग बोलेगा। और ये तीसरा मछली है, तीसरा अभी जस्ट निकला है, ये भी मुरियंग ही है। हम लोग का जो फिशिंग सेशन ख़त्म हो गया है, और अभी हमको बस 5 मछली मिला है, एक जो नदी में चला गया, और ये लोग बहुत बड़ा बड़ा मछली मिला है। The next day. Second day of fishing जा रहा है, और आज हम लोग का ग्रुप में 2 लोग और जुड़ गया है, उनका दूसरा दिन के लिए हम लोग निकल रहे हैं आज। ये देख सकते हैं आज बाइक भी चेंज हो गया, बुलेट, कल हम लोग पल्सर से गया था, तो रास्ता देखो इतना सुनसान, और हम लोग का जो 3 लोग है आगे चला गया वो MT बाइक वाला लोग, और हम लोग यहाँ पे 3 लोग बुलेट से जाएगा। आज कल तो मछली तो ज़्यादा मिला था, आज कितना मिलेगा देखा जाएगा। तो यहाँ से जाएगा, कल भी यहाँ से ही गया था, आज भी यहाँ से ही जाएगा।
इन्हीं को बुलाया, ये फिशरमैन और बाइक ड्राइवर। अभी हम लोग स्पॉट में पहुंच गया है, स्पॉट ये सबसे पहले में हम जा रहे हैं। देखो मछली पकड़ेगा सारा मिलेगा, इतना इतना ला, दो तो तीन तो निकलेगा है। देखो ये बच्चा तीन, देखो हम लोग बहुत दूर आ गया पृथ्वी परलो से, और अभी ये कहीं से नमेगा नीचे, नदी तो बहुत पास में हो गया ये नीचे में। आज मछली बड़ा बड़ा रहने लगा, इसलिए देखो मछली मछली उठाने के लिए इतना बच्चा लेकर आ रहा है। हम एक पकड़ेगा, ये एक पकड़ेगा, वो पकड़ेगा। तो जो गाड़ी को ऊपर में पार्क कर दिया, एक दिन ऐसे एक समय में ऐसा भी हो जाएगा, नदी के सामने भी पार्किंग हो जाएगा। अभी हम लोग का यहाँ का रोड इतना डेवलपमेंट नहीं आया है, ये बिगनिंग डेवलपमेंट का बिगनिंग पेस में है। हमारा प्रसिद्ध प्रलोक का फिशिंग ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हम लोग को कुमे नदी में जो मछली मिलता है वो आपको ईटानगर या तो कहीं भी नहीं मिलेगा ये मछली लोग ना, और देखने में बहुत ही मज़ा आता देखता है और टेस्ट भी देखता है। कुछ खाने के लिए मिला है, देखो उसको हम लोग दोबरेले बोलते हैं, कि दोबरेले हम लोग खाता है। अभी उसको हम लेगा और मेरे को बड़ा बड़ा मछली पकड़ेगा। अरे मछली सुनाई दे रहा है, ये है कुमे नदी। कल भी हम लोग यही जगह पे आया था, कल से भी ज़्यादा लेने का टारगेट करेगा आज। तो ये गाय गोबर इससे मछली मारेगा। और मेरा ये क्या है, तादर अर्थवर्म। तो अभी मेरा रेडी हो गया है, और मेरा जो ग्रुप है वो लोग जो आटा बना रहा है, आटा से मछली मारेगा। आटा में गोबर मिक्स करता है, आटा मिक्स करता है, हल्दी मिक्स करके पानी में फेंके तो बड़ा मछली मिलता है। तो हमको ऐसा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरा जल्दी हो गया है। हम यहाँ से अर्थवर्म से मारेगा, और ये मेरा 2 मिनट में जैसे मैंने अपना बंची को नदी में डाला तो मुझे एक मछली मिल गया। दिखाता हूँ, ताकत हो गया लग रहा है। यो गधा जो इधर बख के रखे, देखो इसे मैंने लिया। कल से तो ये बहुत बड़ा है, मेरा जो कल का केच था ना उससे बहुत बड़ा है ये, जो यही है मुरियंग। और जैसे इसको मारने के बाद 2 मिनट बाद मेरा हुक फंस गया और हुक टूट गया, तो अभी नया हुक लगाया है। तो का जो चारा है और तुरंत वो कम पड़ गया, तो हम ये मछली को निकलाता है यहाँ से, तो ये मछली को वापस चारा का तौर में यूज़ कर रहा है। पर नॉट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से कोई मछली मिलेगा ना, तो नहीं खा पा, इतना मछली नहीं मिला, इसलिए हम लोग जगह चेंज कर रहे हैं। ये जगह से हम लोग नीचे जाएगा, एक दो मिला है पर वो इतना बड़ा नहीं है जितना हम लोग को कल मिला था। पर मछली इतना नहीं मिला है, तो हम लोग जगह को ही चौड़के जा रहे हैं, अलग जगह शिफ्ट करेगा। एक दो मिला है, उसको बाद में लास्ट में आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो सेकेंड डे का फिशिंग एट पर्सी परलो का आज का मछली ये है, ये तैयार हमको मिला है। और ये तीनों तुम लिए है ना, एक दो तीन ना। और ये छोटा मोटा वाला आम लिया था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 भी नहीं हुआ है। तो इतना ही था आज का मछली, ज़्यादा नहीं है। इसको हम लोग मुगी बोलता है, इसको मुरियंग बोलता है, इसको भी मुरियंग मुगी मुरियंग। ये तैयार मैं ना बोलता यार। तो आज दिन का सेकेंड डे ऑफ फिशिंग एट पर्सी परलो ब्लॉक जो ख़त्म हो गया इसी में ही, और हम लोग को 9 मछली मिला है। इवेंट नंबर अभी देखो, और एक मोने से 10 मछली होना था। और यहाँ का जो सीन है तो बहुत ही बढ़िया है। आज दिन भर बिना कुछ खाए, सुबह में ब्रेकफास्ट में ही खाया था, उसके बाद दिन भर इधर बैठा। अभी शाम का 3 बज गया है और हम लोग को इतना नहीं मिल रहा मछली, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर दिन संडे नहीं होता, उसी तरह हर दिन आपको किसे नदी आपको मछली देते रहेगा ऐसा ही। कभी 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 कभार ज़्यादा मिल जाता है, कभी कभार कम मिल जाता है, यही होता है हंटिंग जो ना। अगर आप जंगल में जाएंगे तो तभी भी आपको हर समय जानवर नहीं मिलता है, कभी कभी दिन होता है, कभी कभी दिन नहीं होता है, उसी हिसाब में मछली मिलता है। तो थैंक यू बने रहने के लिए मेरे ब्लॉग में, विल अपडेट सुनेंगे।